भाई पहला मैच इरेंगल का होने जा रहा है भाई, बहुत बंदे ज्वाइन हो गए भाई, 68 बंदे पता नहीं क्यों जाता हुआ दिखाई दे। देखते हैं कि हॉट ड्रॉप लोकेशंस पे कितनी स्कॉट्स जंप करने वाली, क्योंकि मिलिट्री बेस ऑलरेडी स्कॉट्स जा रहे हैं। मैच का वहां से एक कवर आता हुआ राइट साइड पे स्मोक की पूरी लड़ी लगा दी है। देखते हैं कि क्या ड्रॉन ऊपर जाएंगे और मैच के द्वारा नॉक हो सकते हैं या फिर किस तरीके से टीम नंबर 23 इस फाइट को हार सकती है। सबको खौफ है, पता है कि बंदे फिनिश हो सकते हैं, बंदे ऑलरेडी उन्होंने खा लिया है और शायद कई बार रश करना होगा। एक साथ ग्रेनेड ग्रेनेड लगातार ग्रेनेड तुषार को डैमेज जाएगा। गॉडल नैतिक काफी डैमेज पर जो धमाम बने वहां पे थंडर अमन को नॉक किया है। दूसरी सेकंड लाइन ऑफ थंडर से नॉक किए जाएंगे और गॉडल नैतिक और थंडर ने नॉक किया है और जो धमाम को फिनिश किया जाएगा। थंडर चीज करो और यहां पर एक बंदा घुस गया है भाई, थंडर रोकने के लिए एक बंदे ने एंट्री मार दी है, लेकिन यहां पर स्मोक में शायद खाना चाहते हैं, लेकिन इस बार यूवी 30 ले जा सकते हैं इनको। बट पीछे से राइट साइड पे एक बंदा इनका मौजूद है, काफी स्पीड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरिंदा भी अगर सीआरपी में है और ये गॉड हाउस कवर कर लिया है, वेयर हाउस कवर किया है। यूटी फ्री का यह नॉक आरटी में मारले को जाएगा और मारले भैया ऊपर चढ़े हुए थे, ऊपर क्यों जा सकते थे, सीधा डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया था, लेकिन किस तरीके से बचेंगे। और अब रश हो जाएगा टीम नंबर 23 का, मुस्तैद पहुंच चुके हैं पाइथन वर्सेस मुस्तैद। पाइथन ने नॉक किया मुस्तैद को, विन के ने मुस्तैद को फिनिश किया जाएगा, फिनिश को नॉक किया गया, विन 30 को नॉक किया जाएगा पाइथन के द्वारा। पाइथन वर्सेस यूट्यूब फ्यूरी 1v3 हो सकता था पाइथन का, लेकिन हेमंत भैया एंड फिनिश मौजूद थे, फिनिश किया पूरी स्क्वाड को, वाइप आउट कर दिया है और नंबर 23 को भी बाहर कर दिया नंबर 2 में। और पेट्रोल पंप को 14 लगातार
देखते हैं कि नॉडी ओपी एंड दरिंदा भी किस तरीके से बैटल कर रहे हैं। इस साल का इससे जाएगा, लेकिन सी एट डॉल ने नॉक किया। एम टू फोर नाइन से फिनिश होंगे। नॉडी ओपी ने इसको नॉक कर दिया था, लेकिन अली को पुश करेगी या नहीं, क्योंकि पुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 130 डैमेज जाता हुआ लेफ्ट साइड से इस तरीके का कवर बनाया था, बट गाड़ी को डैमेज हुआ है, स्मोक कर चुके हैं और दाना आगे बढ़ते हैं। राइट साइड से पिक करके स्पॉट करेंगे, अगर स्पॉट हो जाते हैं तो नॉक करेंगे। कोशिश जरूर करना चाहिए दाना यहाँ पर, और उन्हें पता है पेट्रोल पंप पर 100 ऑलरेडी पहुँचे हैं। 4 बजे नंबर 2 के जोन के अंदर एक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर जोन ब्रिज की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्लोजिंग का तब दिखाई देने वाला है। 10 में अलाइव यहाँ पर 30 बंदे पार कर कवर के तौर पर अच्छी तरीके से बचाएगा और स्मोक करके यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं करने वाली है। लेकिन ऐसा देख के तो लग रहा है कि कभी कभी नहीं खेल में भी किया जाता है, रिवाइव देख लिया जाएगा। और डेढ़ खराब होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नंबर 12 वर्सेस टीम को अपना जीवन यहाँ देखने को मिल जाता है। या फिर नंबर 14 AKM चलाई और AKM के साथ फिनिश होंगी स्क्वाड टीम नंबर 5 ज्वेलक्स मून के साथ OMFO गॉड अंकित रवि चंद्रन। और यहाँ पर इसे इस बार जोन पर एंटर करना चाहते हैं। पहला बॉय ने नॉक किया है, यहाँ एक नॉक निकाला है। टीम नंबर 13 वर्सेस टीम नंबर 2 देखने को मिल सकता है। डो वर्सेस ट्रायो को वहाँ पे सी ए डॉल वहाँ पर नॉक है। देखते हैं क्या योद्धा मांबा किसी को नॉक करेंगे या फिर टीम नंबर 2 यहाँ पर एक नॉक निकाला जाएगा। माले भैया का ग्रेनेड जाएगा यो धनुबी के लिए, यो धनुबी फिनिश हो सकते हैं अगर एक और ग्रेनेड कर जाते हैं तो। ग्रेनेड उठाने की कोशिश कर रहे हैं FTW पाइथन आगे बढ़ने की कोशिश, और यहाँ पर पीछे की ओर से ग्रेनेड कर सकते हैं, बट जोन डैमेज दे सकता है अगर यहाँ पर एक बंदा नॉक हो जाता है तो। फिनिश हो सकते हैं और ये मौली जाएगी पाइथन के द्वारा। हेमंत जैन जल्दबाजी कर बैठे, फिनिश हो जाएंगे। हाँ, जान से हाथ गंवानी पड़ी इनको, बट यहाँ पर योद्धा निशु को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या भाई, और प्रीस्ट ने मुक्का मार के इनको फिनिश किया है, दो किल निकाला है। बट थोड़ा सा शायद साउंड सुनने में मिस्टेक हो गई है, इंटरनेट वगैरह स्लो था, बट यहाँ पर किल निकाल लिया। अब जोन की ओर बढ़ना पड़ेगा टीम नंबर 2 को। यहाँ पर टीम नंबर 13 के योद्धा मामला को फिनिश कर दिया जाएगा माले भैया के द्वारा। माले भैया ने दो किल अपना सिक्योर किया। टीम नंबर 21 यहाँ पर एक बंदे को गवा दिया गया था, बट टैग पर एक स्क्वाड टीम नंबर 8 के दो बंदे मौजूद है, इविल वाइटी एंड एरन का डुओ का पेयर सिंगल टैप जाता हुआ है एचपी बॉय के लिए। इविल वाइटी को नॉक किया जाएगा एचपी बॉय के द्वारा, और ये कुत्ता लेकर घूम रहे हैं इधर उधर, जोन के काफ़ी बाहर दिखाई दे रहे हैं। बट इनके एक टीममेट साहिल भी पिक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बंदे अगर स्पॉट होते हैं तो फिनिश करेंगे यहाँ से। मलकान पहुँच चुके हैं जोन के ऊपर, और यहाँ से टीम नंबर 2 का रोटेशन देखने को मिल जाएगा। राइट साइड की ओर से हिल लेना चाहेगी, क्योंकि अपर रिच का एडवांटेज हो सकता है। मिड ऑफ द जोन टीम नंबर 21 के मलकान पहुँच चुके हैं, ऊपर टीम नंबर 25 का अकेला बंदा फुनसुक वाकड़ू। या देखते हैं फुनसुक वाकड़ू किस तरीके से टीम नंबर 8 के दो बंदे को खाते हैं। या फिर राइट साइड के टीम नंबर 15 के देवेश कुमारी को नॉक किया जाएगा। कबाड़ी अकेले बचे हुए हैं, कबाड़ी अगर रिवाइव देना चाहते हैं या फिर फिनिश करना चाहते हैं, बट राइट साइड से फायर आता हुआ डीपी लेकर माले भैया को फिनिश करना चाहते थे, बट माले भैया स्पॉट होंगे तभी ना। बट इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भैया, फिनिश करना चाहते हैं पाइथन ने। भाई क्या ही कवर साहिल को रिवाइव दिया जा रहा है मलकान के द्वारा। राइट साइड पे टीम नंबर 24 का एक बंदा इनको गेट कीप कर सकता है, क्योंकि ऊपर में लेटा हुआ है
और मलकान को डैमेज पहले ही कहा था वो 25 का एक बंदा मौजूद है, दिक्कत जरूर करेगा, किल जरूर निकालेगा। और यहाँ पर जोन से थोड़ा ही दूर शायद ये किल भी निकल सकता है, शायद साहिल को फिनिश कर सकता है। और किल पुसुक वागड़ू के खाते में जाता हुआ अकेला बंदा, 1v3 की सिचुएशन पुनसुक वाकड़ू के लिए। भाई वांगड़ू एंड वाकड़ू, ये यहाँ पर सिचुएशन गलत हो चुकी है। अरे चार बंदे बचे हैं लेकिन 1v3 की सिचुएशन बन चुकी है पुनसुक वांगड़ू के लिए। 3 किल निकाला है माले भैया के साथ। भाई क्या माले भैया को, नहीं बिल्कुल नहीं, माले भैया का ये इंस्टेंट रिफ्लेक्स और चिकन डिनर जाता हुआ है।